गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 1 मैथ। आई एम सरुपा साहू, योर मैथ टीचर। तो स्टूडेंट, आज चैप्टर 7 का एक्सरसाइज करेंगे। तो चैप्टर 7 का टॉपिक क्या है? मनी। ओके, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आज एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा पेज नंबर 101 में है। सर्कल द नोट्स एंड कॉइंस टू मेक द गिवन अमाउंट। तो यहाँ पे क्या दिया है? नोट्स एंड कॉइन का पिक्चर दिया है। इसके ऊपर में क्या दिया है, लिखा है कि कितना अमाउंट है। जैसे 1 नंबर में लिखा है ₹25। जो ₹25 लिखा है, 25 कितना नोट कितना कॉइन को मिला के 25 होगा, उसको क्या करना है हमें, वो अमाउंट को क्या करना है, सर्कल करना है। और सर्कल करके वो 25 तक हमें लेना है। कैसे? तो यहाँ पे ऐसे ₹25 लिखा है। ओके, तो ₹25 लिखा है, नीचे में ऐसे ऐसे ₹10 का क्या हुआ है, कॉइन का, ये नोट का पिक्चर हुआ है। ओके, ओके, तो ऐसे ऊपर में क्या लिखा है, ₹25। उसके नीचे में इसे नोट का पिक्चर हुआ है, 10, 10, 25। तो यहाँ पे हमें इतना ही करना है। ये 25 ₹25, ये कैसा बनता है, कैसा बनता है, 20 प्लस 5 25। नहीं तो और हो सकता है, 10 वाला नोट 2 होगा, नहीं तो 1 5 वाला कॉइन हो जाएगा, तो 25 हो सकता है। तुम लोग क्या कर सकते हो, ऐसे तुम लोग ऐसे राउंड भी कर सकते हो, नहीं तो ये 10, 10 प्लस 10, 20 ऐसे 5 होते भी कर सकते हैं। ओके, सबको करना नहीं है, जितना तुम्हारा अमाउंट मैच होता है वैसे ही करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं नोट का पिक्चर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे लिख के ऐसे मैं यहाँ पे ऐसे कर दी हूँ। ओके, तो ऐसे करके हमें ये वाला करना है, 1 नंबर करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फिर से क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। सर्कल द नोट्स एंड कॉइंस टू मेक द गिवन अमाउंट, ये अमाउंट है, कैसे करके उसको हमें सर्कल करना है। कैसे करेंगे, 20 प्लस 5 20 वाला एक नोट होगा, 5 वाला कॉइन होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 25। नहीं तो 10 वाला नोट 2 होगा और 5 वाला कॉइन होने से भी हो सकता है। तो इसका आंसर हम 2 टाइप का होगा, पहला हमारा दर्शन जैसे यू और दूसरा है 10, 10 प्लस 25। हम ऐसे करके भी उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 ही आंसर होगा। उसके बाद 2 नंबर जाते हैं, यह हमारा 1 नंबर है। इसके बाद 2 नंबर, 2 नंबर में क्या लिया है, ₹16। ओके, 16 कैसे करेंगे, 5 वाला नोट 1 है, 10 वाला नोट 1 है, फिर 5 वाला नोट, 20 वाला नोट, 1 वाला कॉइन। तो हमें क्या करना है, 16 रुपीज को कैसे करके ये अमाउंट को हम क्रिएट करेंगे, जो नेट बन जाएगा उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 10 प्लस 5 15 होता है, 51 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 16। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 10 प्लस 5 50 15 1 16। तो हमें यहाँ पे ऐसा है, हम ऐसे करके सर्कल करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे करके दोनों को ऐसे हम सर्कल कर सकते, क्योंकि यह हमारा वन थोड़ा नीचे हो गया है, पहला 10 प्लस 5 है तो 15 को सर्कल करेंगे, फिर 1 को हम एक्स्ट्रा करेंगे। क्यों एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दूर में है, नहीं होगा इसीलिए ऐसे करके हमें करेंगे। ओके, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे अमाउंट क्या दिया है, यहाँ पे 16 दिया है। वैसे करके 3 नंबर करते हैं, 3 नंबर में क्या दिया है, ₹40 दिया है। क्या दिया है, ₹40। कैसे करेंगे, 10 वाला नोट है, 50 वाला नोट है, 5 का नोट, फिर 5 का नोट है, ये का, इसके बाद 20 का नोट है, तो 40 करना है। कैसे करेंगे हम 40 करेंगे, कब 40 होता है, जब 20 प्लस 20 40 होता है। ओके, तो यहाँ पे 20 1 20 है, उसके बाद
पास 5 यानी 10 और यहाँ पर 10 है, तो कैसे करेंगे? पहला ऐसे 20 को एक छू कर देते हैं और 10 + 5 + 5 = 20, ओके। क्योंकि यहाँ पे 50 है, नहीं करने से 50 करने से नहीं होगा, क्योंकि हमें 40 अमाउंट करना है, ओके। 20 का एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद 10 + 5 + 5 का एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे करके बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें सर्कल ही बनाना है, अलग अलग करके बना देंगे। 10 का एक छू अलग बनाएंगे, 5 + 5 का एक छू बनाएंगे, 20 का एक छू बनाएंगे, ओके। तो यहाँ हमारा 3 नंबर खत्म हो गया। 4 नंबर रुपीज 10, 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 का नोट है, 5 का कॉइन, 2 का कॉइन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 करना है, तो ये बहुत इजी है। तो कैसे करेंगे, 5 का 70 करना है और 1 को 5 का 70 करना है, ओके। क्योंकि यहाँ पे 70 दिया है, ये पास पास में होगा तो दोनों को मिला के कर देते हैं, मगर ये थोड़ा दूर में है इसलिए मैं अलग अलग करके सर्कल की, ओके। तो ये हमारा 4 नंबर तक हो गया है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है, रुपीज 30, 5 का नोट, 5 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, 30 करना है। 30 कैसे होता है, 20 + 10 = 30, ऐसे करके गोल बुला देंगे, पास पास में है इसे करके हमें गोल बुला देना है, ओके। तो ये हमारा 5 नंबर खत्म हो गया। 6 नंबर, 6 नंबर में क्या दिया है, रुपीज 15 दिया है, इसे करके रुपीज 15 का करेंगे, 5 का नोट दिया है, फिर 5 का नोट दिया है, 20, 10, 1, 2 का कॉइन दिया है, फिर 2 का कॉइन दिया है, हमें 15 करना है। 15 कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत इजी है, देखो 2, 2, 4, 5 ऐसे 10 + ये कॉइन मिलेगा तो 5 हो सकते हैं, ये जो नोट मिला देंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे करके नोट को मिला देते हैं, तो 10 + 5 = 15। दो ही आंसर होगा, 10, 2, 2, 4, 1, 5 कॉइन के तीन को मिला के और नोट को एक छू मिला के 15 कर सकते हैं, नहीं तो 5 वाला नोट एक छू नहीं तो 10 वाला नोट मिला के भी 15 कर सकते हैं, यहाँ पे दो छू आंसर है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा एक का खत्म हो गया है, अभी बी करते हैं। बी का क्या दिया है, Find out who has more money and count the amount and write in the blank space. यहाँ पे हमें क्या करना है, Find out who has more money. किसके पास ज्यादा है उसको ढूंढना है और count करना है amount को, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो blank space है उसमें हमें क्या करना है, answer लिखना है, okay? पहला A का question क्या दिया है, Raj is sitting and counting notes in his piggy bank. जहाँ पे हम सेविंग करते हैं, जैसे हमारा घर में कोई हमें पैसे देते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सेविंग कर देते हैं पिगी बैंक में। तो राज एक लड़का का नाम है, वो बैठा था और जो पिगी बैंक था उसमें वो कुछ काम, उसका मतलब वो कुछ सेविंग किया था, जो सेविंग किया था वो अभी वो क्या कर रहा है, वो उसको निकाल के काउंट कर रहा है, ओके। तो कितना है उसमें नोट, कितना है, पहला देखो यहाँ पे कितना लिखा है, पहला 20 है, उसके बाद भी 20 का नोट से, देन 5, 10, 5, अभी हमें क्या करना है, सबको मिला के टोटल करना है, कैसे करेंगे, 20 + 20 = 40, 40 + 10 = 50, 55 = 60, 65, तो पहला कितना हुआ, राज का, ये हमारा राज का कितना हुआ,
लिखना है।
तो यहाँ पर पहला काउंट करते हैं, हाई का नोट है पहला ए नंबर में, उसके बाद टेन का नोट है, उसके बाद टू का एक कॉइन है, हनुमान का एक कॉइन है। टोटल ये काउंट करते हैं अमाउंट कितना है, फाइव प्लस टेन कितना होता है फिफ्टीन, फिफ्टीन टू वाला कॉइन हो जाता है, ऐड करते हैं फिफ्टीन टू सेवेंटीन, सेवेंटीन प्लस वन कॉइन कितना होगा एटीन। तो ऐसे ब्लैंक्स दिया है वन नंबर में, एटीन लिखेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे ब्लैंक्स दिया है, उसमें हमें अमाउंट लिखना है। बी करते हैं, बी में कैसे लिखेंगे, ट्वेंटी का एक नोट है, फिफ्टी का नोट है, टेन का नोट है, कितना होता है ट्वेंटी प्लस फिफ्टी सेवेंटी, सेवेंटी प्लस टेन एटी, ब्लैंक्स में लिखेंगे। सी, सी में देखो टेन वाला नोट चार ठो है, यानी टेन फोर जा फोर्टी। बी नंबर, बी नंबर में कैसे है, फाइव वाला नोट एक ठो है, फिफ्टी का एक नोट है, टेन का एक नोट है, ट्वेंटी का एक नोट है, कितना होगा फाइव प्लस फिफ्टी फिफ्टी फाइव, फिफ्टी फाइव प्लस टेन सिक्सटी फाइव, सिक्सटी फाइव प्लस ट्वेंटी, ओके सिक्सटी फाइव प्लस ट्वेंटी कितना होगा फाइव में जीरो प्लस करेंगे फाइव, सिक्स टू एट कितना होगा हमारा एटी फाइव, ओके। देन देखो ई नंबर देखो, यहाँ पे ट्वेंटी का नोट कितना है फोर है, ओके वन टू थ्री फोर कितना हो जाएगा हमारा एटी, ओके। तो स्टूडेंट ये हमारा सी का खत्म हो गया है, ओके। तो स्टूडेंट ये हमारा सी का खत्म हो गया है, अब डी करते हैं। तो डी का क्या दिया है देखो, तो मैथ तो फॉलो, यहाँ पे नोट्स का पिक्चर दिया है, साइड में उसका अमाउंट दिया है, नोट्स का पेज पिक्चर में जितना अमाउंट होगा और साइड में जितना अमाउंट है इक्वल होगा, तो हमें क्या करना है मैच करना है, ओके। डी नंबर ए का कितना दिया है, तो पिक्चर कर देती हूँ ट्वेंटी टेन फाइव नोट देन टू का कॉइन, ओके। बी का ट्वेंटी का कॉइन है, तो ट्वेंटी का नोट है, टेन का नोट, टेन का नोट, टेन का नोट, पहला में क्वेश्चन लिख देते हैं। सी फिफ्टी का नोट है, फाइव का कॉइन, वन का कॉइन, टू का कॉइन। डी ट्वेंटी का नोट, फिफ्टी का नोट, टेन का नोट, फाइव नोट, टू का कॉइन, वन का कॉइन। तो स्टूडेंट मैं डी तक करती हूँ, ये चीज तुम लोग शुरू करने के लिए कोशिश करना, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जब देखो यहाँ पे 20 प्लस 10 प्लस 5, तो 20 प्लस 10 कितना होता है 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 2 37, तो यहाँ पे देखो ये साइड में 37 लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 37 लिखा है, ओके। तो यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है पहले का 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 2, तो ऐसे करके हमें मैच करना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे तुम लोग भी खुद कोशिश करना, क्योंकि सब कुछ मैं ब्लैक बोर्ड पे कर दूंगी, तो क्या होता है हमें कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड से देख के तुम लोग सब कुछ कर दो, ओके। बहुत इजी है, मैं एक टू करके तुम लोग को दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे 37 लिखा है, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट कितना हो रहा है 37, ऐसे करके हम 37 पे ऐसे करके हमें मैच करेंगे, ओके। ये जो नोट्स कॉइन का पिक्चर दिया है उसको क्या करेंगे, काउंट कर देंगे, ऐड कर देंगे, जितना अमाउंट होगा साइड में हमारा लिखा है उसको ऐसे करके ऐड करेंगे। वैसे ही 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 4 40, 40 प्लस 4 50, तो यहाँ पे 50 कहाँ पे है, यहाँ पे रुपीज 50, ऐसे करके रुपीज 50 में ऐसे करके हम मैच करेंगे, ओके। रुपीज 50 में ऐसे करके मैच करेंगे, बहुत इजी है। वैसे 50
50 प्लस 5 55, 55 प्लस 1 56, 56 टू 58। तो यहाँ पे कहाँ पर 58 है, ऐसे करके 58 को ऐसे करके हम कैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट डी में क्या दिया है, 20 प्लस 50 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 5 85, 85 86, 87, 88, 88 कहाँ पे लिखा है, सबसे टॉप में लिखा है रुपीज 88, ऐसे करके रुपीज 88 को मैच करें। ये बहुत इजी है, ब्लैक बोर्ड में नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत इजी है, क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही तुम लोग को समझ आएगा, जितना मैं प्रैक्टिस करोगे आराम से ये हो जाएगी, डिफिकल्ट नहीं है। तो स्टूडेंट, यहाँ हमारा डी का खत्म हो गया है, अभी हम की करेंगे। ई का क्या दिया है, एड द अमाउंट एंड राइट इन द बॉक्सेस अंडर द आइटम। क्या करना है, अमाउंट को ऐड करना है और बॉक्स क्या है उसमें हमें लिखना है। पहले भी क्या दिया है, मैं 1 2 करके दिखा रही हूँ, कैसे करके लिखी हूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 नंबर पे क्या दिया है, 5 का नोट हुआ है और 2 का कॉइन है और 1 का भी कॉइन है, कितना होगा 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8। जैसे बॉक्स क्या है उसमें हम ए लिखेंगे। नेक्स्ट कितना लिखेंगे, 50 प्लस 10 60, 2 नंबर में क्या होगा हमारा 60। 3 नंबर 20 प्लस 10 30। ओके, 4 नंबर 5 प्लस 5 10 10 प्लस 2 12। तो स्टूडेंट, ये हमारा रीजन 1 चैप्टर था, बहुत छोटा ही था, एक्सरसाइज 7.1 मैं पहले से भी तुम लोग को ये बता चुकी हूँ, और फिर से बता रही हूँ तुम लोग को, जितने छोड़ी हूँ क्यों छोड़ी, क्योंकि तुम लोग खुद को प्रैक्टिस करना, खुद कोशिश करना, क्योंकि मैथ को हम जितना बार प्रैक्टिस करते हैं, ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, जितना बार प्रैक्टिस करते हैं, जितना बार उसको सॉल्व करते हैं तभी हमारा याद रहता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हमारा इतना है, नेक्स्ट क्लास में हम नया एक्सरसाइज करेंगे, जो चैप्टर पढ़ चुके हैं वो एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।